हाय फ्रेंड्स, मैं हूं प्रभा रविशंकर। मैं आपके लिए टेस्टी रेसिपीज लेके आने वाली हूं। ये चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रभास किचन। आज हम बनाने वाले हैं अनरसा। आंध्रा में इसको अरसलू बोलते हैं। मकर संक्रांति का टाइम में हर एक घर में ये बनने वाली मोस्ट पॉपुलर ट्रेडिशनल स्वीट है। ये ऊपर से क्रिस्पी रहते हैं और अंदर से बहुत सॉफ्ट रहते हैं। चलिए देखते हैं ये कैसे बनाए। ये बनाने के लिए मैंने 1 किलो राइस लिया है, यानी सादा वाला राइस, हम जो घर में बनते हैं वही राइस लिया है मैंने। इसको 2-3 बार मैंने अच्छा सा पानी डालकर मैंने वॉश करके लिया है। तो इसको 2-3 बार अच्छा सा पानी निकालने के बाद फ्रेश पानी डालकर हमने ढक के 2 दिन तक भिगो के रखना है। 2 दिन के बाद ही हम इसको अनरसा बनाते हैं। 2 दिन में, हर एक दिन में आपको सुबह और दोपहर और रात को 3 टाइम्स वॉश करके फ्रेश पानी डालकर वापस रखना है। अब 2 दिन के बाद मैंने इसको निकाला है, यानी मैं दिन में 3 टाइम इसको वॉश करके अच्छा सा रख दिया है मैंने। 3rd दिन मैंने अनरसा बनाने के लिए लिया है। अभी इसमें से चावल से पानी, देखिए पानी कितना फ्रेश है, मैंने इसमें से पानी निकाल कर चावल अलग कर दिया है। इसको चावल छन्नी में डालकर इसको पानी अच्छी तरह निकलना चाहिए। इसमें से पानी निकालने के बाद, यानी 5 मिनट में पानी अच्छी तरह निकल गया है, तो मैंने एक कॉटन क्लॉथ लिया है, इसका ऊपर से पंखा के नीचे मैंने 10 मिनट तक सुखा के ले लेगी चावल को। ये देखो, इसी तरह हम कॉटन क्लॉथ में डालकर इसको अच्छी तरह फैलाएंगे। बस 10 मिनट के लिए ड्राई करना है, ज़्यादा टाइम ड्राई नहीं करना है। पंखा के नीचे 10 से लेके 15 मिनट तक ड्राई करना है। दस मिनट में ये हल्का सा सूख जाएगा, क्योंकि हम ये मिक्सी जार में ग्राइंड करने वाले हैं, इसके लिए हमने गीला चावल नहीं डाल सकते हैं। इसके लिए देखिए, अब 15 मिनट में इसी तरह सूख गया है। अब ज़्यादा टाइम नहीं ड्राई करना है, तो चावल को इकट्ठा करेंगे। अब थोड़ा थोड़ा करके हम ग्राइंडिंग जार में पीस के ले लेंगे। हमको एकदम फाइन पाउडर आना चाहिए, इसके लिए हम ग्राइंडर को 2 मिनट के लिए चला के बंद करके, ऐसा ग्राइंडिंग जार गर्म नहीं होना चाहिए। ये देखिए, हम थोड़ा थोड़ा चावल डालते डालते हम इसको ग्राइंड करके लेना है। अब इसको अच्छी तरह मैंने पाउडर बना के ले लिया है, इसमें हम थोड़ा थोड़ा डालते इसको अच्छी तरह छान के लेना है। एकदम फाइन पाउडर आना चाहिए, नहीं है तो अनरसा अच्छा नहीं बनते हैं। एकदम पाउडर जैसा आना चाहिए। ये देखिए, छानने के लिए गीला चावल है, छानने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हम धीरे धीरे छान के ले लेंगे। हम सेकंड टाइम में भी वापस दूसरी प्लेट में छान के ले लेंगे। इसी तरह एकदम पाउडर जैसा आटा आना चाहिए। इसी तरह अच्छी तरह मैंने 2 टाइम्स करके ले लिया है राइस पाउडर को। अब मैंने गैस में एक पतीला रखा है, इसमें मैंने डाला है गुड़। 1 किलो राइस के लिए 750 ग्राम्स गुड़ लिया है मैंने। इसमें मैं शुगर ऐड नहीं करूंगी, मैं ऑर्गेनिक गुड़ लिया है 750 ग्राम्स। 1 किलो राइस के लिए 750 ग्राम्स गुड़ चाहिए हमको। गुड़ को इसी तरह अच्छा सा गर्म होने के बाद अच्छा सा छान के ले लेंगे। इसी तरह फिल्टर करने से इसमें गुड़ में जो भी कचरा रहते हैं वो निकल जाएगा। इसको छान के ले लेंगे।
ये देखिए गुड़ में कभी भी थोड़ा सा कचरा रहते हैं। अच्छा सा फिल्टर करने के बाद मैंने पतीला को अच्छा सा वॉश करके वापस रख दिया है। हम जो फिल्टर किया हुआ है तो गुड़ का पानी हम इसमें डालेंगे। अब इसको अच्छी तरह पकाना है हमको, गैस हाई फ्लेम पे रख के इसको अच्छी तरह पकाना चाहिए। 10 मिनट के बाद हम एक बार चेक करेंगे। ये देखिए अब इसी तरह पकाना चाहिए। पाको हम जिस तरह मोल्ड करते हैं उसी तरह मोल्ड होना चाहिए। ये देखिए तो हम जो भी प्लेट लिया है वो प्लेट में डालने से वो आवाज आना चाहिए, उसी तरह पकाना चाहिए। तो हम गैस स्लो पे रखेंगे अभी। इसी तरह पकाने के बाद हम वेट नहीं करेंगे, इसमें डालेंगे 1 चम्मच इलायची पाउडर। इसके साथ साथ हम 2 चम्मच घी भी डालेंगे। यही टाइम में 2 चम्मच घी डालकर अच्छा सा मिक्स करेंगे। पहला हम गैस स्लो पे ही रखेंगे। हम गैस स्लो पे रख के इसमें मैंने लिया है सफेद वाला तिल, 1.25 ग्राम्स मैंने सफेद तिल लिया है। ये ऑप्शनल है, आप तिल पाक में डाल सकते हो या नहीं है तो अनर्सा का ऊपर से भी चिपका सकते हो। तो मैं अभी चावल का आटा मैंने जो छान के लिया है पाउडर जैसा वो वाला थोड़ा थोड़ा डालते इसको लगातार चलाता ही रहना है, लम्स नहीं रहना चाहिए। इसके लिए गैस एकदम स्लो पे रहना चाहिए क्योंकि गैस बिल्कुल बंद नहीं करना है, गैस स्लो पे रहना चाहिए। ये देखिए इसी तरह सब मिक्स कर दिया है बिना लम्स का। अनरसा बनाने का टाइम राइस पाउडर और थोड़ा ज्यादा रहना चाहिए। कभी भी गुड़ का ऊपर से तो ये पतला और गाढ़ा रहते हैं, इसी का वजह से हम राइस का पाउडर थोड़ा ज्यादा रहने से तो कभी लूज रहेगा तो हम मैनेज कर सकते हैं। अभी देखिए एकदम बराबर बन के रेडी हो गया है। 5-10 मिनट के बाद मैंने चेक किया है वापस, अभी भी गर्म है। जब थोड़ा गर्म रहता है वही टाइम में हम अनारसा बनाएंगे, एकदम ठंडा होने के बाद नहीं बनाएंगे। मैंने एक पैन रखा है, पैन में डाला है घी। आप घी से भी बना सकते हो या नहीं है तो तेल से भी बना सकते हो, अपना मर्जी से। लेकिन आंध्र स्पेशल ये ट्रेडिशनल आइटम है, ये घी से ही बनते हैं और बहुत ही टेस्ट भी बनते हैं। ये देखिए छोटा छोटा बॉल्स जैसा लेके हम इसी तरह हमको जैसा साइज में चाहिए छोटा बड़ा उसी तरह हम साइज में छोटा बड़ा करके इसी तरह बनाते हैं। बनाने के टाइम ये थोड़ा गर्म रहना ही चाहिए। हम थोड़ा सा पार्ट लेके हम चेक करेंगे, घी ज़्यादा गर्म नहीं है अभी, घी ज़्यादा गर्म नहीं रहना चाहिए डालने का टाइम में। ये देखिए अब ये देखिए अच्छी तरह ये एकदम परफेक्ट बने हैं आटा। अब ये निकाल के बाजू में रखेंगे। अब गैस मीडियम फ्लेम पे रखेंगे, एकदम सिम पे भी नहीं, मीडियम फ्लेम पे रख के हम इसको अनारसा बनाएंगे। ये देखिए मैंने फर्स्ट वाला डाल दिया है, अब थोड़ा वेट कर दीजिए, ये अपने आप ही ऊपर आ जाएगा पूरी जैसा। ये देखिए यही टाइम पे आप थोड़ा हिलाइए, ऊपर से थोड़ा घी डाल दीजिए। इसी तरह हम जैसा पूरी बनाते हैं उसी तरह। ये देखिए गैस मीडियम फ्लेम पे रहना चाहिए, हाई पे बिल्कुल नहीं। हम दूसरी साइड पलटाएंगे इसको। जैसा कलर चाहिए, डार्क चाहिए तो हम थोड़ी देर रख सकते हैं या नहीं है तो, लाइट कलर चाहिए तो आप यही टाइम पे निकाल दीजिएगा। तो इसी तरह हमने 2 चम्मच लेकर इसका ऊपर से रख के
इसी तरह दबाने से एक्स्ट्रा जो घी है वो निकल जाएगा। ये देखिए अच्छी तरह निकल गया है घी, एकदम ड्राई भी नहीं करना है, इसमें थोड़ा घी रहना चाहिए, तब जाके ये बहुत ही टेस्टी रहते हैं। ये बनाने के टाइम इसी तरह कलर देख के आप जैसा लाइट कलर चाहिए या डार्क कलर चाहिए उसी का हिसाब से निकाल दीजिएगा। लेकिन जब भी अनारसा बनाते हैं वो टाइम पे गैस मीडियम फ्लेम पे ही रहना चाहिए। ये देखिए इसी तरह वन बाय वन हम बनाएंगे। इसी तरह सब अनारसा बना के ले लेंगे। जो इसका अंदर जो मैंने तिल डाला है या चाहिए तो आप अनारसा बनाने का टाइम ऊपर से भी डाल सकते हो, यानी चिपका सकते हो। इसी तरह सब बना के ले लेंगे। ये ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से बहुत सॉफ्ट रहते हैं। इसी तरह सब अनारसा बना के ले लिया है मैंने। फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ये रेसिपी आप जरूर ट्राई कीजिए, आपको अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।